गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग, एक्सप्रेशन, कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए थे और हमारे दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर डिस्कस हुए थे। ओके, तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग फिर से एक बार क्लियर करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विच इज अलॉन्ग रेडियस ऑफ सर्कल एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कंसिडर कीजिए सेंटर ऑफ द सर्कल है और ये पार्टिकल की पोजिशन है, ए पोजिशन। ओके, एंड इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ओ ए इज रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा कैसी होती है, फ्रॉम सेंटर टू द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियली आउटवर्ड। ओके, नाउ एज दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हमें पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस चेंज इन डायरेक्शन, इवन इफ द पार्टिकल इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट लिनियर स्पीड। ओके, तो यहाँ पर लिनियर स्पीड की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है स्टूडेंट। अब ये एक्सेलरेटेड मोशन इसके कारण यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इफ देर इज एक्सेलरेशन दैट मीन्स देर मस्ट बी फोर्स। ओके, तो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे, यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो फोर्स की भी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। सो दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके लिए ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किए थे, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन के लिए ये फॉर्मूला वी ओमेगा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स ही है फॉर्मूले यहाँ पर बन जाते हैं। तो इसको यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई करना है, यम वी ओमेगा यम वी स्क्वायर बाय आर यम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब ओमेगा का फॉर्मूला हमें पता है 2πn या फिर 2π अपॉन टी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम, तो ये फॉर्मूले मिल जाते हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो देखिए एक एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स बिकॉज इट हैज ओरिजिन इन द नॉन इंटरेक्शन। अब नॉन इंटरेक्शन मतलब फोर्सेस, कौन कौन से फोर्स होते हैं जो रियल फोर्सेस से, मेनली देर आर थ्री डेट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पर क्लियर किया था कि व्हाई सेंट्रीपिटल फोर्स इज रियल फोर्स, बिकॉज इट हैज ओरिजिन इन नेचुरल इंटरेक्शन। ओके, सेकंड, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, राइट। तो यहाँ पर पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो जाती है, सो दैट इट इज एबल फॉर द पार्टिकल टू हैव सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, सो इट इज नेसेसरी, और वी कैन राइट हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलर मोशन, और इट इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन। मतलब तीनों का मीनिंग एक ही होता है कि सर्कुलर मोशन के लिए पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है, एंड विच हैज डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर। ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग रेडियस एंड टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल, टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। ओके, तो ये हमें डेफिनेशन से मिलते हैं ये पॉइंट कि डायरेक्शन कैसे होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर, राइट। नंबर फोर, नेक्स्ट देखिए, इन वेक्टर फॉर्म फॉर्मूले क्या होते हैं, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू माइनस यम वी स्क्वायर बाय वेक्टर आर, और इट इज इक्वल टू माइनस यम वेक्टर आर ओमेगा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ लिनियर स्पीड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि रेडियस वेक्टर और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। देखिए रेडियस वेक्टर फ्रॉम ओ टू ए, सेंट्रीपिटल फोर्स फ्रॉम ए टू ओ, तो एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन। ओके, नेक्स्ट नंबर फाइव,
सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन देख लें, ए पोजीशन पर ये, सपोज यहाँ पर बी पोजीशन है, तो बी पोजीशन पर सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी ना, मतलब एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द सर्कमफेरेंस सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है कंटिन्यूअसली, लेकिन डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टूवर्ड द सेंटर यही कॉन्स्टेंट होती है, डायरेक्शन भले ही चेंज हो जाए लेकिन डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर होती है ना। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स हैज डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट पोजिशन, पोजिशन अलोंग अलोंग सर्कुलर पाथ। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखिए, सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से यहां पर वर्टन ने होता है पार्टिकल के ऊपर, मतलब नो वर्क इज डन ऑन पार्टिकल ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। देखिए नाउ दिस पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो यहां पर सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं होता है। नो वर्क इज डन ऑन पार्टिकल ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब यहां पर वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू जीरो। ओके, देखिए और एक लॉजिक यहां पर क्या होता है, ट्रांसलेशनल स्पीड मतलब ये टेंजेंशियल है, तो यही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की भी होगी ना, मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होगा यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। अब वर्क डन का जनरल फॉर्मूला हमें पता है, एफ एफ कॉस थीटा, राइट, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, ये पूरा वर्क डन क्या होगा फिर, जीरो होगा, ये भी यहाँ पर लॉजिक। इसलिए सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से पार्टिकल जो परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर वर्क नहीं होता है ना। जैसे देखिए मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ कंटिन्यूअसली इन सर्कुलर पाथ, अब मून के ऊपर सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, लेकिन उसके वजह से मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है क्या, या फिर उसका डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, नहीं, बिकॉज पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन वहां पर ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स नेट वर्क जीरो होता है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स भी होता है, तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स उसकी डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स और फॉर्मूले और एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या दी, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इज अ सुडो फोर्स, इज अ सुडो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन which is along radius of circle and directed away from the center of the circle, ये centrifugal force है। Suppose यहाँ पर circular path का center है और A is the position of the particle which is performing circular motion in anti-clockwise direction. Okay, तो यहाँ पर tangential speed की direction same रहेगी, okay, और radius vector की direction हमेशा पता है हमें, फ्रॉम सेंटर टू द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, लेकिन अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रिफ्यूगल फोर्स कैसे दिए, अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इस तरफ अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, मतलब रेडियस वेक्टर और सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दोनों की डायरेक्शन कैसे, फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द पोजिशन और अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। नाउ दिस इज अ सुडो फोर्स, What is meaning of pseudo force? Pseudo force का मतलब होता है non-real, non-real force या फिर imaginary, imaginary. तो ये real force नहीं होता इसमें. Okay, मतलब centrifugal force का origin non-interactions में नहीं है. अब non-interaction मतलब known forces कौन से? Mainly three types. वही gravitational force, electromagnetic force and nuclear force. तो वहां पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का ओरिजिन नहीं मिलता है। फिर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स या इमेजिनरी फोर्स मतलब क्या होता है, देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैल्यूड इन विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी नो दैट इट इज वैल्यूड इन, यस,
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। अब सर्कुलर मोशन मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये इनर्शियल फ्रेम हो गया क्या? नहीं, ये होती नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के कारण यहाँ पर एक इमेजिनरी फोर्स एक्ट होता है। देखिए दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, ये आपको वन डायमेंशनल मोशन में हुआ है। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम। देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नंबर वन क्या होती है यहाँ पर? इनर्शियल, इनर्शियल फ्रेम ऑफ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नोन एज नॉन एक्सेलरेटेड, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, अब इसका भी नहीं क्या होता है कि ऑब्जेक्ट दो ही पोजीशन में होता है। एक तो ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट होगा, ऑब्जेक्ट कैसा होगा? रेस्ट होगा, या फिर ऑब्जेक्ट होगा इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहां पर मैं आपको यहां पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसका मीनिंग क्लियर कर रहा हूं। फिर हम देखेंगे कि स्यूडो फोर्स कहां पर अराइज होता है और क्यों अराइज होता है। तो देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है कि यहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड है। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? उसका स्टेटमेंट क्या है जरा याद कीजिए। एवरी इनएनिमेट बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टेड ऑन इट। इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट ही रहेगा जब तक कि उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्मली मोशन है मतलब अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसकी डायरेक्शन सेम है और स्पीड भी सेम होगी, तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जब तक उसके ऊपर हम एक्सटर्नली अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और दोनों भी चेंज नहीं होगी। सो दीज आर नोन एज यूनिफॉर्म मोशन और एट रेस्ट। तो ये जो कंडीशन और पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसी होती है? कॉन्स्टेंट। ओके, मतलब एक्सेलरेशन कितना होता है? जीरो। यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा क्या? नहीं होता है, इसलिए नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और सेकंड टाइप यहाँ पर नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, या फिर इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए मतलब पार्टिकल की पोजीशन इससे अपोजिट होगी, इसका मतलब क्या होगा? देखिए ऑब्जेक्ट रेस्ट होगा क्या इसमें? नहीं। या फिर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन होगा क्या? नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट नहीं होगा मतलब इट इज मूविंग, इट इज मूविंग। ओके, अब मूविंग है मतलब यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं होगा, मूविंग विथ वेरिएबल, वेरिएबल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट नहीं होगी। इसमें तीन पॉसिबिलिटी, एक तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता होगा, ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे ना, या फिर दोनों भी कंटिन्यूअसली चेंजिंग है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, है ना। दिस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, दे आर नॉट वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, टू अप्लाई न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड करने के लिए यहां पर हम एक इमेजिनरी फोर्स कंसिडर करते हैं एंड दैट इमेजिनरी फोर्स, इमेजिनरी फोर्स ओके इज नोन एज स्यूडो फोर्स, और यहां पर यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स है। देखिए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके इवन इफ द, ओके इवन इफ द स्पीड ऑफ परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज कॉन्स्टेंट, लेकिन डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है ना, इस
के वजह से यहाँ पर वेरिएबल वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन है। ये तो हमें पक्का पता है ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कौन सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल, नॉन एक्सेलरेटेड या फिर एक्सेलरेटेड, इट इज एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए कहा जाता है ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, यहाँ पर एक इमेजिनरी फोर्स डेवलप होता है इन ऑर्डर टू वैलिड द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, इट हैज नो रियल ओरिजिन, ये रियल ओरिजिन नहीं होता है। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए आपको ये क्लियर हो जाएगा। सपोज वी आर मूविंग इन अ बस विथ यूनिफॉर्म मोशन, मतलब डायरेक्शन सेम है और स्पीड ऑफ बस भी सेम है। सपोज 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से हम जा रहे हैं एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो वहां पर डायरेक्शन फिक्स है और मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड भी सेम है। ओके, सो दिस इज विच फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज बस इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन। सपोज द बस टेक लेफ्ट टर्न, ओके, बस ने अगर लेफ्ट टर्न ले लिया सडनली, तो वी ऑल पैसेंजर लीन टूवर्ड्स द राइट, बराबर है। तो हम यहाँ पर ऐसा देखते हैं कि किसी ने हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई किया है, सो दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द राइट, नो, बिकॉज द फ्रेम इज चेंजिंग। देखिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, मतलब इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस थी, जैसे सडनली बस मूव होती है लेफ्ट की तरफ तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकम्स नॉन इनर्शियल, अब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है। तो वहां पर फिर एक इमेजिनरी फोर्स डेवलप होगा, सो दैट इट इज नोन एज सुडो फोर्स, राइट। तो इसके वजह से हम राइट की तरफ मूव हो जाते हैं। देखिए अगर बस यूनिफॉर्म मोशन से जा रही है, ठीक है, अगर ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, वी लीन फॉरवर्ड, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं ना, तो हम ऐसा देखते हैं कि पीछे से हमें किसने ढका लाया या फिर फोर्स कितने अप्लाई किया, नहीं, बिकॉज ये इमेजिनरी फोर्स होता है। एंड ये क्यों अराइज होता है, क्यों डेवलप होता है, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से, ठीक है स्टूडेंट। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, तो इसके ऊपर तो इमेजिनरी फोर्स डेवलप हो गई ना, और ये इमेजिनरी फोर्स कैसे होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, सो दिस इज सुडो फोर्स। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मीनिंग आप क्लियर कीजिए आप, कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ इमेजिनरी और सुडो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ओके, विच इज अलोंग रेडियस, देखिए रेडियस अलोंग एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। देखिए और एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं, सपोज हमारे पास एक रोटेटिंग डिस्क है, यहाँ पर एक रोटेटिंग डिस्क है, ओके, और एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर पर है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सपोज ये इस तरह से, ओके, पहले ये डिस्क हम रेस्ट कंसिडर करते हैं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ी दूरी पर यहाँ पर एक कॉइन रखते हैं, कॉइन, फिलहाल ये डिस्क इज नॉट रोटेटिंग, ये रेस्ट है, ओके, तो कॉइन भी यहाँ पर वैसे रहेगा। एज सून एज द डिस्क स्टार्ट रोटेटिंग, तो यहाँ पर चेंजेस क्या होता है, देखिए दैट कॉइन मूव अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, जैसे ही यहाँ पर डिस्क रोटेट होगी एंड इट अटेंड अ पर्टिकुलर स्पीड, तो उस स्पीड पर क्या होगा, कॉइन मूव होगा टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन और थ्रो आउट ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो ये क्या होगा, मूव होगा आउट ऑफ द या फिर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा ना, बिकॉज ऑफ रोटेटिंग ऑफ द डिस्क इज डायरेक्टेड आउटवर्ड, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कॉइन यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रो हो जाता है। देखिए मेरे गो राउंड आपको पता ही है, ओके, तो यहाँ पर ऐसे रॉड्स होते हैं वर्टिकल और यहाँ पर चेयर्स होते हैं, मेरे गो राउंड पता है ना आपको, मेरे गो राउंड, ओके, तो इसमें आप बैठे होंगे मेरे गो राउंड में, जैसे यहाँ पर देखिए पूरे रॉड्स ये वर्टिकल है और जैसे यहाँ पर ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, वेन इट अटेंड द स्पीड, पर्टिकुलर स्पीड, तो ये जो रॉड्स है देखिए ये रॉड की पोजीशन ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाती है रॉड की पोजीशन, मतलब चेयर्स बाहर की तरफ थ्रो हो जाते हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। देखिए अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर वेट हैंकरचीफ है आपके पास,
एक गीला रुमाल है आपके पास, राइट। अगर उस रुमाल को आप इस तरह से रोटेट करते हो हवा में, तो आप पाएंगे कि उसमें जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, दैट आर मूविंग आउटवर्ड डायरेक्शन, बराबर। जैसे आप उसको सर्कुलर मोशन में घुमाओगे तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पर ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक्ट होगा, और इसलिए ड्रॉपलेट्स फिर बाहर की डायरेक्शन में फ्लो हो जाएंगे, राइट। और यही टेक्निक कहां पर यूज होती है? इन वॉशिंग मशीन। देखिए वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि पूरे क्लॉथ वॉश होने के बाद वहां पर पानी पूरा चला जाता है आउटलेट द्वारा, ओके। और बाद में फिर ड्रायर शुरू होता है, तो ड्रायर का जो पोर्शन होता है सिलेंड्रिकल, परफोरेटेड वॉल्स होते हैं, मतलब वहां पर स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, उस वॉल को, ड्रायर को। तो जैसे ही वहां पर ड्रायर शुरू होता है तो वेट क्लॉथ वहां पर बहुत मतलब स्पीडली रोटेट होते हैं, वहां पर रोटेट होने के कारण उसके ऊपर क्या होता है, फिर रोटेट होते हैं मतलब क्या होता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फिर स्यूडो फोर्स अराइज होगा, और ये स्यूडो फोर्स उस वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर एक्ट होता है, और उसके कारण वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ फेंक के जाते हैं, ओके। और फिर इन दिस प्रोसेस द क्लॉथ बिकम्स ड्राई, तो यहाँ पर होता है। रेस्टोरेंट, अगर और एग्जाम्पल हमें डिस्कस कर रहा है तो फिर जो अर्थ का शेप होता है रेस्टोरेंट, वो कंप्लीटली स्फीयर होता है क्या? नहीं, बल्जिंग एट द इक्वेटर होता है, फ्लैटर एट द पोल्स होता है। तो अर्थ का जो शेप होता है कुछ इस तरह से होता है, देखिए, मतलब पोल्स पर वो फ्लैटर होती है और इक्वेटर पर ऐसी बल्ज होती है, ठीक है। तो बिकॉज ये अर्थ रोटेट होते हैं अबाउट इट्स ओन एक्सिस, तो यहां पर जो पार्टिकल होते हैं, ओके, तो इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो इसके कारण अर्थ का जो शेप है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, तो इक्वेटर पर वो बल्ज होता है। और एक एग्जांपल देखिए, इन मराठी इट इज कॉल्ड भरती ओहोटी, बरोबर है, म्हणजे समुद्राच्या पराला भरती ओहोटी आहे ना, अपस्ट्रीम अँड डाऊनस्ट्रीम ऑफ वॉटर लेवल इन द सी बिकॉज ऑफ मून, बरोबर है। तो वहां पर देखिए, बिकॉज ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट है विच परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, तो उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन से मूव होता है। देखिए जैसे हम स्ट्रिंग, हमारे पास अगर एक स्ट्रिंग है या रोप है, ओके, तो उसका जो फ्री एंड होगा, एक एंड तो हैंड में होगा ना, तो फ्री एंड वहां पर अगर स्टोन टाइट करते हैं और उसको अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाते हैं तो ऐसे घूमेगा वो, ओके, तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी क्या होगा, टेंशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। लेकिन अगर उसको वहां पर किसी एक जगह अगर हम जर्क देते, ओके, झटका देते, सपोज इस पोजीशन पर, तो स्टोन क्या होगा, अलोंग द टेंजेंशियल इट मूव्स अवे बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन तो टुवर्ड्स द सेंटर होगी ना, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर किसकी डायरेक्शन होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब में सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है, तो सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्या होता है कि देखिए जैसे यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है, ओके, और यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, ओके। अब सॉल्यूशन में यहाँ पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है जो हम फिल्टर पेपर द्वारा भी उसको आइसोलेट नहीं कर सकते, इतने स्मॉल पार्टिकल्स है लेकिन सस्पेंडेड यहाँ पर, मतलब फनेल लेते हैं और फनेल में अगर फिल्टर पेपर रखते तो उससे भी ये यहाँ पर फिल्टर ही आइसोलेट नहीं होते, सॉल्यूशन से अलग नहीं होते। तो इस तरह के अगर माइक्रोसाइज पार्टिकल सस्पेंडेड है उसको इस सॉल्यूशन से निकालना है, ओके। तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है, देखिए सेंट्रीफ्यूग मशीन होती है। तो सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्या होता है, देखिए कुछ इस तरह का होता है, ये मेरी गोराउंड है ना, इस तरह का होता है मशीन। तो यहाँ पर डिफरेंट ऐसे रॉड्स होते हैं, सपोज इस रॉड को हम ये टेस्ट ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ओके, तो इसमें सॉल्यूशन होगा और उसके अंदर ये पार्टिकल्स भी होंगे। जैसे ये सेंट्रीफ्यूग मशीन रोटेट होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए पहले तो टेस्ट ट्यूब की पोजीशन इस तरह से वर्टिकल डाउनवर्ड होगी, ओके। जैसे ये सेंट्रीफ्यूग मशीन रोटेट होगी तो ये इसका एंगल चेंज हो जाएगा और ये ऐसे आते हुए इस तरह से आएगा,
अगर मैक्सिमम स्पीड से रोटेट होता है तो नाउ टेस्ट ट्यूब यहाँ पर इस तरह से रोटेट होगी इस पोजिशन पे, ठीक है। अब जैसे ये इस पोजिशन पर रोटेट होगी या सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी तो जो पार्टिकल्स है इसके अंदर उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसके कारण ये बॉटम की तरफ मूव जाएंगे सब पार्टिकल, ओके। और जैसे सेंट्रीफ्यूगल मोशन हम स्टॉप करेंगे ये टेस्ट ट्यूब इस तरह से नीचे आएंगे, तो ऑल ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल कहां पर जमा होंगे बॉटम पर, तो उसका ऊपर का जो सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं अलग से। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज करते हुए सस्पेंडेड पार्टिकल सोल्यूशन से अलग किया जाता है, ओके। देखिए सपोज यहाँ पर एक बकेट है, छोटी बकेट अगर हम कंसिडर करते हैं, ओके, उसके अंदर पानी लेना है और ये ऐसे रोप से उसको टाइट करना है। अगर हम उस बकेट को ओके घुमाते वर्टिकल सर्कल में इस तरह से, लेकिन स्पीड पर्टिकुलर होनी चाहिए, अगर स्पीड कम हो जाती है तो वाटर नीचे गिर जाएगा, ओके। तो स्पीड एक पर्टिकुलर होनी चाहिए और कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। देखिए वाटर नीचे नहीं गिरता है वहां पर, व्हाई, बिकॉज जब ये बकेट यहां पर इस पोजीशन पर होगी, ठीक है, तो वाटर इस लेवल पर होगा और ये कंटिन्यूसली वर्टिकल मोशन यहां पर परफॉर्म करता है। तो इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है, ओके। उसके कारण वाटर मॉलिक्यूल के नीचे नहीं गिरते, व्हाई, बिकॉज इसका जो वेट होता है W इज इक्वल टू mg, मतलब इस वाटर का वेट, इसको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस कर लेता है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये वाटर नीचे नहीं गिरता है, बिकॉज वाटर का वेट यहाँ पर बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए जिसमें यही पता चलता है कि इन सर्कुलर मोशन पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जिसकी डायरेक्शन कैसी होती है, अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, सो सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अराइज होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पर ये सुडो फोर्स मतलब इमेजिनरी नॉन रियल फोर्स है, और ये फोर्स तभी अराइज होता है जबकि वहां पर एक्सेलरेटेड मोशन है, राइट स्टूडेंट, यहां तक, ओके। अब देखिए इन वेक्टर फॉर्म, अब वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय वेक्टर आर, या फिर एम वेक्टर आर ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर प्लस साइन, व्हाई देयर इज प्लस साइन, बिकॉज रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की भी डायरेक्शन आउटवर्ड है, ओके स्टूडेंट। तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिस्कस किए उसी सीक्वेंस से इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें यहाँ पर अब डिस्कस करने हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CPF होता है, ठीक है। तो पहले देखिए इसी सीक्वेंस से ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करते हैं। नंबर वन, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रियल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉन रियल फोर्स नोन एज सुडो फोर्स, ये सुडो फोर्स होता है, मतलब इमेजिनरी फोर्स होता है, ओके। अब देखिए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, अब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल है, नेसेसरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। और जबकि पार्टिकल यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर डेवलप होता है, अराइज होता है, ठीक है। मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है, लेकिन पार्टिकल जैसे ही यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा ना, और एक्सेलरेटेड मोशन में यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिजल्ट ऑफ या फिर हम इसको कहेंगे इफेक्ट ऑफ
effect of circular motion. सर्कुलर मोशन देखिए, सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी है? सेंट्रीपिटल फोर्स. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करता. ओके और जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला जाएगा ना, तो फिर कौन सा फोर्स अराइज होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. इसलिए यहां पर लिखा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन. राइट स्टूडेंट. नंबर थ्री, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर टेक, इसकी डायरेक्शन कैसे रहती है? यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अलोंग रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल. देखिए इस तरह से हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का डिफरेंशिएट पॉइंट भी यहां पर डिस्कस करें. ओके नेक्स्ट नंबर देखिए, जैसे यहां पर वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन होगा, तो यहां पर वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन होगा क्या? नहीं, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रेडियस वेक्टर दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड है. तो यहां पर वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय वेक्टर आर इज इक्वल टू एम वेक्टर आर ओमेगा स्क्वायर. ओके नेक्स्ट नंबर फाइव, सेंट्रीपिटल फोर्स हैज डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट पोजिशन अलॉन्ग सर्कुलर पाथ. तो देखिए यहां पर अगर ए पोजिशन है तो इस पोजिशन पर ही आउटवर्ड होगा, अगर बी पोजिशन है तो यहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड होगा ना, अगर सी पोजिशन है यहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड ही होगा. तो मतलब जैसी पोजिशन ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाती है अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ, वैसे यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, लेकिन वो हमेशा आउटवर्ड रहती है, मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. तो यही पॉइंट यहां पर भी आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज डिफरेंट डायरेक्शन ओके एट डिफरेंट पोजिशन ऑफ पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ along circular path. Okay. Next number देखिए, जैसे यहाँ पर वर्टन होता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भी यहाँ पर वर्टन होता है क्या? नहीं. देखिए जो पार्टिकल कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड होता है. तो यहाँ पर पार्टिकल डज नॉट मूव टूवर्ड्स द सेंटर और डज नॉट मूव अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके तो इफ स्ट्रिक्टली परफॉर्म्स ओनली सर्कुलर मोशन. यहाँ पर देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन कैसे एग्जैक्टली अपोजिट है. तो यहां पर भी वर्डन होगा क्या? नहीं, मतलब नो वर्क इज डन ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हाँ यहां पर ये कह सकते हैं हम यहां पर देखिए कि पार्टिकल स्ट्रिक्टली परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेम है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है. तो यहां पर नेट फोर्स जीरो होगा. नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर एक्शन फोर्स है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर क्या होगा? रिएक्शन फोर्स होगा. राइट स्टूडेंट. तो यहां पर भी वर्क डन जीरो होता है. तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर में क्या किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका मीनिंग ओके विथ एग्जांपल्स उसके एक्सप्रेशन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन यहां पर इंपॉर्टेंट है. सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके स्टूडेंट्स.